हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं नीरज। अभी की जो वीडियो है ये डिफेंस डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल से है और इसका टाइटल है लाहौर में एक और खालिस्तानी ढेर, खालिस्तानी परमजीत सिंह पंजवार का विकेट टाउन। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वीडियो देखेंगे साथ साथ अपने कमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज सुबह एक बहुत बड़ी घटना हुई है, इंडिया में नहीं हुई है, हुई पाकिस्तान में है, बट उसका संबंध इंडिया से है, बहुत गहरा संबंध है। खालिस्तानी टेररिस्ट जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम है परमजीत सिंह पंजवार, उसको लाहौर में आज मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है। और उसके साथ हालांकि गनमैन भी थे, सुनने में आ रहा है कि उन दोनों की भी मौत हो गई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार जो है वो लाहौर में मारा गया है। तो चूंकि कनेक्शन इसका इंडिया से है और बहुत कुछ है इसके बैकग्राउंड में भी, बहुत कुछ है, पिछले 6 महीने में खालिस्तान मूवमेंट और खालिस्तान से जुड़े कई बड़े आतंकी, मोस्ट वॉन्टेड आतंकी, इनकी भी मरने की खबरें आई हैं अलग अलग देशों में। तो इन सब पर बात करने के लिए देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि शो पर आए आप। जय हिंद, कैसे हैं आप? जय हिंद सर, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। सर, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना, जय हिंद एवरीवन फ्रॉम कनाडा, लेट्स कंटिन्यू, मैं चाहूंगा कि ये जो परमजीत सिंह पंजवार था, इंडिया में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी, इसका लाहौर में मारा जाना, इसको आप एज ए डिफेंस एक्सपर्ट कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहा हूँ और मैं इसको मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वो इंडियन एजेंसी से जुड़ा हो सकता है। ऑब्वियसली मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इसको मानने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जैसा आपने ओपनिंग में बताया कि कई सारे आतंकवादी अननोन गनमैन द्वारा मारे गए इन रीसेंट पास्ट। इनफैक्ट इस्लामाबाद में भी दो इस्लामिक आतंकवादी मारे गए जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, और ये एक मारा गया, उससे पहले एक और मारा गया था मेरे ख्याल से, वो भी लाहौर की जेल जेल या कहीं पे वो कहीं मारा गया था मतलब। तो बहरहाल तो ये इंटरेस्टिंग है और इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सम एजेंसीज आर एट वर्क। और ये चीज की खुशी इसलिए थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ का जो पाकिस्तान डेथ्स था ये आईके गुजराल ने बंद कर दिया था। अच्छा। और आईके गुजराल ने बंद कर दिया था और सुनने में तो ये भी आता है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने भी उस पर कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इनफैक्ट मनमोहन सिंह की सरकार ने तो वो एक बहुत ही जबरदस्त, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था TSD, जिसका काम ही यही था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जाए, तो मनमोहन सिंह सरकार ने वो TSD को ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये कहा जाए कि पिछले 7-8 साल के अंदर इसका रिवाइवल हुआ है और आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे और सारे टारगेट जो एंटी इंडिया टारगेट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए क्योंकि आम लोगों को नहीं पता होता कि क्या सरकार ने फैसला लिया और क्यों लिया है। जैसे RNW के सेल ही बंद कर दिए जो पाकिस्तान के ऊपर निगाह रखते थे, दैट्स वेरी सैड। लेट्स कंटिन्यू। जी सर, आपने जैसा बताया कि इसमें एजेंसीज का हाथ हो सकता है, हालांकि हम सबको पता है कि कहीं से ये इसकी कोई इसकी नहीं आती कि हाँ होगा ही, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुल जमा ये हुआ है कि भारत का एक दुश्मन था और वो मारा गया पाकिस्तान में, लाहौर में मारा गया। सर, मैं थोड़ा सा आऊंगा ये खालिस्तानी कमांडो फोर्स के ऊपर जिसका ये चीफ था, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी और इसने क्या कुछ क्या नहीं है, ये एक ISI द्वारा बनाई गई ये आतंकवादी संगठन था। ये जब पंजाब के अंदर आतंकवाद था तो ये खालिस्तान कमांडो फोर्स बहुत सक्रिय थी, बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स और उस समय ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, ये इनका स्टूडेंट विंग होता था खालिस्तानियों का।
और इस तरीके की एक्टिविटीज पंजाब में बहुत होती थी, और वो जमाना था जब पंजाब में ये आतंकवादी लाहौर तक मोटरसाइकिल पे चले जाते थे, क्योंकि बार्ड वायर तो कोई थी नहीं, और जो बीएसएफ की पेट्रोल्स थी वो ऐसा तो नहीं है कि हर एक मिनट के बाद पेट्रोल जा रही है, एक पेट्रोल से दूसरी पेट्रोल में एक घंटा आधे घंटे का वक्त कई बार होते थे, और क्योंकि नाके जो बीएसएफ के नाके उन दिनों में हुआ करते थे वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के साथ नहीं हुआ करते थे बाय द वे, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि नाका चूक जाता था, और ये लोग बड़े धड़ल्ले से और बड़े कूली मोटरसाइकिल से ही लाहौर चले जाते थे वारदातें करके, तो ये बहुत जबरदस्त एक्टिविटी रहती थी इन लोगों की। और फिर ये बार्ड वायर फेंस आ गई और ये सारी जो बाढ़ लग गई, लाइटिंग हो गई, तो उससे इनकी गतिविधियों पर रोक लग गई। ये जनरली सारे के सारे ये गुरदासपुर, तरन तारण, अमृतसर और फरीदकोट, फिरोजपुर, ये बॉर्डरिंग इलाके के लोग थे, और अगर इनकी और थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो ये बेसिकली जितने भी ये लोग हैं ये कहीं ना कहीं स्मगलिंग से भी ताल्लुक रखते थे। और इंटरेस्टिंगली एक वहां पे सिस्टम हुआ करता था उस जमाने में जिसको ये दरअसल घोड़े रखा करते थे और घोड़ों की मदद से स्मगलिंग की जाती थी। स्मगलिंग करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग था कि घोड़ों के ऊपर सामान ला दिया जाता था और घोड़ों को रिहा कर दिया, मतलब उनके रस्सी खोल दी जाती थी, छोड़ दिया जाता था, फ्री कर दिया, पैदल चल के और पाकिस्तान जाके और जहां पर जो उधर का जो एसेट होता था उसके पास पहुंच जाता था वो घोड़ा, तो वहां पे अनलोड कर दिया जाता था। तो इस तरीके से बहुत सारी गन रनिंग भी हुई, हथियार भी पंजाब में आए, और यही लोग, क्योंकि यही स्मगलर्स जो थे इनको ये पूरे रास्तों का मालूम था, बीएसएफ के नाकों के पैटर्न्स का मालूम था, और यही आगे चल के आतंकवाद को सपोर्ट करने में लॉजिस्टिकली इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और इसमें आईएसआई ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मैं कहूंगा कि प्लानिंग भी करी और वो तो अपना तंत्र भी इस तरीके से बिछाया, और उसकी बदौलत कितने हजारों लोगों की जाने गई, और वो अभी तक ये सिलसिला जो है थमा नहीं है। वो बात और है कि आतंकवाद की घटनाएं नहीं होती, लेकिन ससेशनिज्म का जो बीज जो बोया था वो अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आलोक जी, जी सर, मैं आईएसआई पर भी आऊंगा, उसके रोल पर भी आऊंगा। एक सवाल मेरे दिमाग में बड़ी देर से, जब से अभी आप ये पूरी सारी बातें बता रहे थे तो मेरे दिमाग में घूमन रहा था कि लाहौर में जहां पर इसको मारा गया वो सोसाइटी है, वो बाहर वॉक करने निकला, और लाहौर जाहिर सी बात है कि पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का सबसे मुख्य इलाका है, और मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान का सबसे मुख्य इलाका है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की सेफ्टी, वहाँ पर बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती होगी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता होगा। इसके बाद भी जिस तरह से दो अननोन गनमैन बाइक पर आते हैं, उसको उड़ा देते हैं, यानी कि पहले पूरी रेकी उन्होंने की होगी, सारी जानकारी इकट्ठा की होगी, और जो वहाँ की एजेंसीज हैं उनसे छुपते छुपाते इस प्लान को अंजाम दिया होगा। तो मतलब एक कितना बड़ा काम था उसके लिए जिसने इसको मारा। और वैसे वहां की एजेंसीज नंबर वन है दुनिया में, पता नहीं किस चीज में नंबर वन है, कुछ समझता है नहीं उनसे, और फिर भी नंबर वन है। लेट्स कंटिन्यू। आलोक भाई, मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि मारना इतना बड़ा काम नहीं था जितना कि आइडेंटिटी अपने आप की छुपा के और बच निकलना। पाकिस्तान के अंदर हथियार बरामद करके और आतंकवाद की घटना करना, या ये इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं कि टारगेट किलिंग करना, कोई बड़ा काम नहीं है। जब भारत जैसे मुल्क में नहीं है तो पाकिस्तान में जहां पे तो हथियार बड़े आम और आराम से मिलते हैं, और वो भी कट्टे नहीं मिलते, वहां AK-47 आराम से मिल जाती है, जो आप भी इंटरव्यू करते रहते हैं अपने मित्रों के, उनसे कभी वैसे गुफ्तगु कीजिएगा तो बताएंगे कि उनके पास AK-47 अपनी हिफाजत के लिए घरों में रखी हुई है। तो
ये वहां का एक शायद वो डेरा गाजी खान बड़ा फेमस है शायद उधर डेरा। हाँ वो तो है ही है, फेमस, बिल्कुल बिल्कुल फेमस है। और इनके पास सबके पास ये बाहर लेके ना चलते हो लेकिन सबके पास घरों में हथियार है। अगर आपको याद हो पिछले कुछ दिन पहले या महीना दो महीना पहले वहां पे पाकिस्तान में लाहौर के अंदर ही अधिवक्ताओं का कोई चुनाव हुआ था जिसमें खूब AK-47 से हर्ष फायरिंग करी गई थी। अगर आपको जी वो वकील AK-47 लेके फायर कर वकील लेके और तो वो उस तरीके का माहौल है वहां पर। और इतना आसान है वहां पर हथियार लाना ले जाना इस्तेमाल करना शरेआम से मारना, तो मारना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। लेकिन लेकिन वो पकड़े ना जाए उसकी जो उन्होंने प्लानिंग करी है वो एक बहुत बड़ा काम है। अभी तक तो कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि वो पकड़े गए हैं। और आप देखें कि जो इस्लामाबाद में भी जो दो कश्मीरी आतंकवादी लीडर मारे थे वो भी उनको मारने वाले भी नहीं पकड़े गए। इससे एक सवाल और खड़ा होता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि हमारी एजेंसी इसका रोल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान खुद ही इनको मरवा रहा हो, क्योंकि उसकी भी तो सिरदर्दी बनी हुई है। जी मैं उसी पर आने वाला था, आपने बात छेड़ी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इंडिया को वो सौंप नहीं सकता क्योंकि ईगो है, तो वो कैसे इनको मैनेज करे? इनके ऊपर खर्चा हो रहा है, इनके ऊपर इनकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर स्पॉटलाइट हुई हुई है दुनिया भर की। FATF भी इसी चक्कर में पाकिस्तान को उसने ग्रे लिस्ट में रखा इतने समय तक, और ऐसे पता नहीं कितने सारे वहां पे ऐसे आतंकवादी हैं जो कि वांटेड है, और उनका क्या किया जाए बताइए। तो उनका एक बेहतरीन तरीका यह है कि भाई धीरे धीरे इनको निकाल दिया जाए। बट मैं एज ए इंडियन उम्मीद तो यही रखूंगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ी गर्व की बात होगी कि ये हमारे एजेंसी वाले निकले कि भाई इन्होंने ठोका था। बट ऐसा भी हो सकता है जिसकी काफी प्रोबेबिलिटी है कि वो पाकिस्तानियों ने खुद ही नहीं अपनी सिरदर्दी को कम करने के लिए इनको खत्म किया हो। मुझे भी यही लग रहा था सर, मैं इस पे सवाल आपसे पूछने वाला था, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि चूंकि पाकिस्तान इनकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, और अगर ये मान लीजिए मैं पहले सिनेरियो की बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने इनको निपटा दिया, निपटाने का पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि भाई एक इमेज को लेकर भी बात जाएगी कि वहां पर जो है धीरे 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 इनका सफाया हो रहा है, और ये लोग जो काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा ये अपने आप को जो गवर्नमेंट है वो किनारा करेगी, नहीं हम देखिए काम कर रहे हैं, भले ऑफिशियली ना हो लेकिन एक मैसेज तो चला जाएगा। दूसरा सर मैं आता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमारी एजेंसीज का इसमें हाथ हो, क्योंकि मतलब मानने के लिए कह सकते हैं, वैसे तो कह नहीं सकते कुछ, तो अगर एजेंसीज ने करवाया है तो मेरा सवाल ये है कि जो दावे भरे जाते हैं कि जो पाकिस्तान की ISI है वो नंबर वन एजेंसी है, उसकी नाक के नीचे लाहौर में जाकर उनके एसेट को मार देना, क्या ISI का ये एक और फेल्योर नहीं कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट नंबर वन एजेंसी वो इसलिए है क्योंकि हमारी एजेंसियां कमजोर हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, उनकी कितनी सारी हरकतों से पता लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल रेटिंग वाले हैं, 1-star रेटिंग देंगे हम उनको। और भाई इतने बड़े खलीफे होते तो ओसामा बिन लादेन को मार के चले गए अमरीकी, आपके हाफिज सईद अपनी बेगम से मिलने आए थे चोरी छुपे जेल से लाहौर में, और उनके घर के पास कार बम धमाका हो गया। और मैंने जैसे बताया आपको कि इस्लामाबाद में दो कश्मीरी आतंकवादी लीडर ठोक दिए, अभी ये सरदार जी ठोक दिए गए हैं आतंकवादी, तो कहाँ के नंबर वन है बताइए? कि किस, कोई नंबर वन नहीं है। अब वहां पे वो लोकल पाकिस्तानी है उनको डराते रहते हैं, उनको आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको धमकाते रहते हैं, वही मैनेजमेंट करते रहते हैं कि चलो आप इसकी सत्ता ले आए, अब उसकी ले आए, कहते हैं वो बिलावल को तैयार कर रहे हैं। तो ये तो नंबर वन अपने ही घर में है, तो नंबर वन तो सारे ही है, आप भी नंबर वन है, मैं भी नंबर वन हूँ, अपने अपने दायरे में हम सब नंबर वन है, और तो ये है कहानी। तो मैं उनको ज्यादा ऐसे वो प्रोपेगेंडा है, जैसे आपने बोला कि देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, तो ये अरे नहीं सर, अरे नहीं 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 सर, ये तो सच्चाई है।
ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है सर, इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अच्छा सर, मैं वापस आता हूँ जरा खालिस्तान की तरफ, खालिस्तान की तरफ आता हूँ। हमने देखा कि पिछले 6 महीने में, कह लूं कि 6 महीने में खालिस्तान नाम का शब्द हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा। अभी हमने अमृतपाल सिंह वाले में देखा, वो हालांकि चलिए सरेंडर किया, गिरफ्तार हुआ, जो भी हुआ, लेकिन चर्चाएं बनी रही। और अगर मुझे याद है तो पिछले साल नवंबर में एक और खालिस्तानी आतंकवादी, उसको भी लाहौर में ही मारा गया था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी नहीं, किडनी फेल हो गई और ये हो गया, लेकिन जहां तक छन के जानकारियां आई, वो हरविंदर सिंह रिंदा, तो कहा गया कि जी उसकी किडनी फेल हुई, किडनी इसलिए फेल हुई क्योंकि क्योंकि ड्रग्स की ओवरडोज हो गई। तो मे बी कहा जा रहा था कि भाई ड्रग्स की ओवरडोज उसको दी गई, ये एंटी इंडिया था, एंटी खालिस्तानी था। इसमें भी कहा गया कि हो सकता है एजेंसीज का हाथ हो, क्योंकि वो बब्बर खालसा का इंटरनेशनल, बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य था। और उस पर आपको याद होगा सर कि पंजाब पुलिस मुख्यालय पर आरपीजी अटैक हुआ था और एक शिवसेना नेता की भी हत्या हुई थी, तो उसमें उसका नाम आया था। इसके पहले एक रिंडा का नाम आया था। उसके पहले एक इटली में एक गैंगस्टर था, उसका भी संबंध खालिस्तान से था, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी संघेरा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले 6-8 महीने में हम अगर इस नेटवर्क को जोड़े, इसके तार को जोड़े, तो कई एंटी खालिस्तानी, सॉरी एंटी इंडिया जो खालिस्तानी थे, वो टारगेट किलिंग के शिकार हुए। तो क्या हम ये माने कि हमने शिकंजा थोड़ा सा टाइट किया है खालिस्तानियों के खिलाफ? मेरे ख्याल से इसको मानने में कोई गलती नहीं है कि हम लोगों ने शायद शिकंजा टाइट कर दिया है, जिसका हमको ये, जिसके ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमको नजर आ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये एक दिन ऐसी भी खबर आए कि क्लिफ्टन टाउन के अंदर भी कोई शख्स को अज्ञात लोग आके मार जाए। ऐसे कुछ टारगेट्स हैं जहां पर एक्शन होने की जरूरत है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम बिल्कुल दावे से कह पाएंगे कि जी हाँ, हमने अपना शिकंजा टाइट कर लिया है और ये करतूतें हमारे ही लोगों की हैं, और फिर हम भी गर्व से कहेंगे कि हमारी एजेंसी नंबर वन है। अभी मैं अपनी एजेंसी को नंबर टू पे रखूंगा। अच्छा सर, ऐसे हम देखते हैं कि इस तरह की जो टारगेट किलिंग की बातें होती हैं, जिनमें आता है कि जी एजेंसी शामिल हैं और ऐसा है, तो कहा जाता है कि इसमें इसराइल की मोसाद सबसे मतलब उसका नाम बड़ा ऊपर लिया जाता है कि भाई वो जो अपने दुश्मन है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन वो ढूंढ के मारते जरूर है, वो चाहे दसियों साल लग जाए। क्या मैं एज ए लेमैन सवाल पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल कोई डिफेंस का जानकार नहीं होनी, मैं लेमैन सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इसे देखा जाए कि इंडिया ने भी अपना गियर थोड़ा सा शिफ्ट किया है? हाँ, अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके आई के गुजराल थे, उन्होंने रॉ की डेस्क बंद कर दी थी, पाकिस्तान डेस्क। फिर बाद में मनमोहन सिंह ने टीएसडी को खत्म कर दिया था। तो एक तो हमारे यहाँ पर वो पीस और वो कबूतर उड़ाने वाले और वो उस तरीके के लोग भी बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, जो प्रभावित हो जाते हैं, उनको लगता है कि दुनिया शायद ऐसे ही चलती है, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है। हाँ, और अमन की आशा और ये वो इन फालतू की चीजों में दुनिया ऐसे नहीं चलती है। ये हार्ड रियल पॉलिटिक्स है यहाँ पर, जिसमें लोग भी मारे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कार्रवाई होती है। अरे जब डेमोक्रेसी, इंडिया जैसी डेमोक्रेसी या कोई भी दुनिया की, अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी, वहां पर जब लीडर्स टारगेट हो जाते हैं, तो ये तो दूसरे किस्म का खेल है। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते और क्यों नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, है ना? तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया नहीं करता है तो उसको करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे काम चलता नहीं है, क्योंकि दूसरी साइड से लोग टारगेट करते हैं, शरेआम कर रहे हैं, और वो तो इतनी बेशर्मी से आतंकवाद करते हैं, जो जिसका आपने अभी मुजाहरा देख ही लिया, रजौरी में आतंकवाद कर रहे हैं और बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम दोनों को मिलके बैठ के इसकी समस्या का हल ढूंढना चाहिए। बताइए यार, इस ये बात करने के लिए आपको नंबर वन बेशरम होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल। तो बिल्कुल, यही बिल्कुल, एक रियलिटी है। मेरे ख्याल से
इस पूरे खेल के अंदर आपको भी बेशरम होना पड़ेगा और आपको भी यही गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ओपोनेंट है वो और कोई भाषा नहीं समझता है। और जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करना मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर इंडिया नहीं करता है तो उसको करना शुरू कर देना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अब फिर मैं रिएट्रेट कर रहा हूं कि मेरे को लगता है कि शायद ये काम हमने किया हो सकता है। सर आखिरी सवाल एक मैं आपसे पूछूंगा, अभी राजौरी में हुआ, उसके पहले पुंछ में हुआ, ये सब देख के सुन के दिल बड़ा दुखता है हम लोग का, आपका तो खैर और ज्यादा दुखता होगा क्योंकि आप तो उसका हिस्सा रहे हैं। सवाल ये है कि हम ऐसे लुका छिपी वाला खेल या ऐसे क्यों करते हैं? हमने आज तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, चलिए ठीक है हमारी एक पॉलिसी है, लेकिन हम इसको कब तक सहेंगे? सामने वाले ने तो 4 बार अटैक किया, तो क्या अगर हमें प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है, कुछ करना है, तो हमें कुछ कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा क्या? या हम पर्दे के पीछे ही गेम करते रहें या सामने से आके कुछ हमें करने की जरूरत है? देखिए आलोक भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो सिर्फ आतंकवाद लड़ाई झगड़े के ऊपर फोकस करा जाए तो बिल्कुल हाँ, कोई भी कहेगा यार हमें एकदम खत्म कर देना चाहिए, अटैक करके वहां पे बिल्कुल तबाही मचा देनी चाहिए। दूसरा यह है कि यार जब आप लड़ेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, आपकी इकोनॉमी का नुकसान होगा, तो क्या आप अपनी इकोनॉमी को डिरेल करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। और हम लोगों ने कभी भी हमला नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग समस्याएं हैं, गरीबी है, ये है वो है, और हम उस चीज को टैकल करने में लगे रहे। हमारे ऊपर हमले हुए, मजबूरन हमें लड़ाई लड़नी पड़ी और हम लोगों ने अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी 62 को छोड़कर, जो कि पॉलिटिकल डिफीट थी मैं कहूँगा, पॉलिटिकल कारणों से। और अभी भी मेरे को नहीं लगता कि हमें पाकिस्तान के ऊपर एकदम से हमला कर देना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तो चाहेगा कि भारत इस तरीके की कार्रवाई करे, क्योंकि वो बिल्कुल खुश नहीं है कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप SCO की मीटिंग कर रहे हैं, फिर G20 की करेंगे और आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं और आगे चल के 4th लार्जेस्ट भी होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे को लगता है कि हमको कोई कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हमारी भी उम्मीद ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान कुछ कर दे, क्योंकि जैसा आपने बोला कि कुछ एक हमारे ट्रेडिशन भी हैं कि हम हमला नहीं करते हैं, तो हम अगर हमला नहीं करते हैं, अगर ये हमारी फितरत है, तो हमको कोई उकसा दे और फिर हम कार्रवाई कर दे जैसे कि हमने बालाकोट में किया, तो वो बात अलग है, वो सेल्फ डिफेंस की बात है। लेकिन अगर हमने किया और ये सारी कार्रवाई करी, तो नुकसान तो हमारा भी हुआ ना यार, हमारे भी तो 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए, तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया बड़ी मैच्योर लाइन ले रहा है, मैच्योर पॉलिसी के तहत चल रहा है। बस इसमें एक ही पॉइंट है आलोक जी, जो मेरे को लगता है जो इंडिया ने जो गलत किया है, ऐसा मेरा मानना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपने सीज फायर करा दिया है। ये सीज फायर जो है पाकिस्तान के हक में है, हमारे हक में नहीं है। अगर ये सीज फायर ना हुआ होता तो अभी हमने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर, जो आगे वाले हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनके ट्रूप्स के ऊपर फॉरवर्ड पोस्ट वाले किया होता, कितनी तबाही मचाई होती। तो ये हमने अपने ही हाथ बांध लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये हमने गलत किया, लेकिन अब क्योंकि वो हमारे प्लानर्स हैं, उनको ज्यादा मालूम है, बट ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पे हमने वो किया है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ऑल आउट एक्शन करना मेरे ख्याल से ये समझदारी का काम नहीं होगा एट दिस जंक्चर। बहुत बहुत थैंक यू सर दानवी सर कि आपने इन सारी बातों को समझाया, तरीके से समझाया, चीज़ें बताई, क्योंकि कई चीज़ें होती है कि हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन आप चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि आपको पता होता है कि कई बार हम लोग सेंटिमेंट्स से आ जाते हैं, लेकिन आपके पास उस सेंटिमेंट्स के साथ साथ आपको रियलिटी भी देखनी पड़ती है और आप जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। थैंक यू सर कि आपने आके मेरे दर्शकों को इतनी सारी चीज़ें बताई, थैंक यू। जी जी, थैंक यू वेरी मच, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट टू द मार्टिर्स जो रजौरी में शहीद हुए हैं, और ये सिलसिला जो है वो आज का नहीं, काफी देर से चल रहा है, और खासतौर पे अभी रिसेंटली आपने देखा ही है कि
वहाँ पूंछ में, रजौरी में, और फिर उससे पहले सिविलियंस के ऊपर भी अटैक हुआ था सांबा के पास में। तो ये अभी पाकिस्तान के कुछ पास जो है वो इंडिया को काउंटर करने के लिए और कुछ तो बचा नहीं, बट ये टैक्टिक्स जो है वो हमेशा इस्तेमाल करता रहा है, और पीछे हिस्टोरिकली भी आप इसका एविडेंस देख सकते हैं। 127 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान शेमलेसली, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आके ये बोलते हैं कि वी दे आर ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। अब अगर विक्टिम्स हैं तो 127 लोगों के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपको यूनाइटेड नेशंस की प्रोस्क्राइब लिस्ट में हैं आपके वो बंदे, उनको आप पकड़िए, जिन जिन कंट्रीज में उन्होंने जाके जो है वो टेररिज्म के वाक्य किए हैं उनको, उनके लिए अकाउंटेबल किया जाए, उनको उनकी सजाएं मिलें। वो पाकिस्तान करता नहीं है, और शेमलेसली आके जो है वो यहाँ पे इंटरव्यूज किसी भी कंट्री में, चाहे वो अभी इंडिया जी SU समिट में आके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बोल के गए हैं, या यूनाइटेड नेशंस में, या किसी भी प्लेटफॉर्म को वो बहुत ही शेमलेसली यूज़ करते हैं। और मुझे दानवीर सर की ये बात सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी जो इन्होंने कहा कि इससे ज्यादा जो है वो बेशर्मी क्या होगी कि जो कंट्री दूसरे कंट्रीज में जाकर टेररिज्म कर रहा है वो उसी कंट्री में आके जो है वो अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करे। और दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से किसी बंदे को टेररिस्ट प्रोस्क्राइब करना इतना आसान नहीं है, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, और जब वो उस प्रोसीजर से गुजरते हैं तब जाके एक बंदा उस लिस्ट में जाता है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान के मसले में यूनाइटेड स्टेट्स इनको पहले सपोर्ट करता रहा है, चाइना इनका मेजर सपोर्टर रहा है, तो दो जो है वो वीटो पावर रखने वाले स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान की फेवर में रहे हैं हिस्टोरिकली, तब भी इनके इतने बंदे जो है वो उस लिस्ट में हैं, फिर भी ये कोई एक्शन नहीं करते, तो इसको शेमलेसनेस ही बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं। उसके अलावा जो अभी जो ये खालिस्तानी का मर्डर या कुछ किल किया गया है, ये एक मुझे लगता है कि दो दो व्यू पॉइंट्स हैं इसके देखे जा सकते। एक व्यू पॉइंट तो ये जो कर्नल साहब ने बताया है कि पाकिस्तान ने खुद ही करवा दिया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अभी पाकिस्तान जो है FATF की लिस्ट से अभी बाहर निकला है, और बाकी बहुत सारी सेंक्शंस पाकिस्तानी बैंक्स के ऊपर और पाकिस्तानी फॉरन रिलेशंस के मामले में लग रही हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को पैसे उठाने में भी दुनिया की मार्केट से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल स्क्रूटनी हो रही है जो FATF और बाकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, और दूसरा पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वो ऐसे रिसोर्सेज को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उतने फुल फ्लेज्ड तरीके से। अभी नो डाउट ये रजौरी का जो इंसिडेंट हुआ है, पहुंच का जो इंसिडेंट हुआ है, ये तो पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो इतने स्केल के ऊपर इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो वहाँ से वो अपनी सपोर्ट खींचना चाहता होगा, या जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनको जो है वो डिजॉल्व करना चाहता होगा, तो उस लिए भी हुआ हो सकता है। ये एक व्यू पॉइंट है, लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट ये भी है कि इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने इंटरेस्ट में जो है अपने जो अगेंस्ट लोग हैं उनको ख़त्म किया होगा। ये दोनों व्यू पॉइंट्स में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वीकनेस जो है वो क्लियरली सामने आती है, ख़ास तौर पे पहले पॉइंट की वीकनेस तो क्लियर ही है कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो जो असेट्स उन्होंने क्रिएट किए उनको ही जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी भी वीकनेस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान अपना हमेशा पाकिस्तान के लोग अपनी एजेंसीज को जो है वो नंबर वन क्लेम करते हैं, खास तौर पे ISI को, और अगर उनके नाक के नीचे जो है वो इंडिया इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कर पा रहा है, तो फिर वो काहे की नंबर वन एजेंसी और किस बात की नंबर वन एजेंसी, फिर तो बेटर इंडिया की होगी। लेकिन फिर भी यानी वे ऐसा कोई कंपटीशन है नहीं, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लोग काफ़ी सेंसिबल हैं, इवन मिलिट्री के लोग भी जो है वो अननेसेसरी फालतू क्लेम्स के चक्कर में नहीं पड़ते कि हमारी एजेंसी नंबर वन है, ये नंबर टू है, ये नंबर टेन है, वट एवर, जो काम करने वाला है उसको अगर इंडिया की एजेंसी प्रॉपरली कर रही है, इंडिया के फेवर में काम कर रही है, तो देन इट इज़ वेल एंड गुड, उसकी रैंकिंग कुछ भी हो। वैसे तो ऐसी रैंकिंग का कोई सिस्टम नहीं है दुनिया में, लेकिन एनीवे बात पाकिस्तानी माइंडसेट की हो रही है कि वो अगर अपनी एजेंसी को ऐसे बोल रहे हैं तो उनकी नाक के नीचे ये काम भी हो जाता है, और वो जो बंदों जिन्होंने काम किया है वो बंदे पकड़े भी नहीं जा रहे, तो दैट शोज़ कि उनकी एजेंसी जो है वो कितनी एफिशिएंट है। और बाकी जहाँ तक बात रही कि दुनिया को टेररिज़ करना, ये खालिस्तान के मामले में भी ये क्लियर है कि पंजाबी कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी में बहुत से लोग जो हैं वो खालिस्तान के फेवर में नहीं हैं, तो कई बार ये उन लोगों को भी थ्रेटन करते हैं कि आप हमारे अगेंस्ट कैसे बोल रहे हैं आप। अगर
अगर तो इतना ही प्योरिटी के साथ कोई कॉज को आप आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको ये रिसेप्टिव भी होना चाहिए कि आप डिफरेंट व्यू पॉइंट सुन सकें, खास तौर पे उन लोगों के वो व्यू पॉइंट सुन सकें जो आपके साथ सहमत नहीं है। आप उनको थ्रेटन करके जो है उनकी वॉइसेस बंद नहीं करवा सकते और लोगों को नहीं दबा सकते। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। और बाकी दो तीन चीज़ें मुझे नहीं पता चली। एक तो जैसे आर ए एन डब्ल्यू का जो पाकिस्तान डेस्क है वो बंद करवाया गया था, और दूसरा जो है वो TST वो डिवीज़न भी जो है वो बंद करवाई गई। TSD एक टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न थी इंडियन आर्मी की, मिलिट्री इंटेलिजेंस की, जो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते होंगे, रिपोर्ट करते होंगे अपने सीनियर्स को, और उस हिसाब से जो है वो पॉलिसी डिसीजंस या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है वो लिए जाते होंगे। ये दोनों चीज़ें जो अगर बंद की गई हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया को नुकसान पहुँचाया जा सकता है उसके बारे में जो इंटेलिजेंस इकट्ठी करने वाले लोग हैं वही प्रेजेंट नहीं है। तो फिर ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे ही, जैसा हमने 2008 में मुंबई अटैक्स के वक्त देखा। उस समय भी हम सारे लोग बहुत शॉक थे कि कैसे जो है वो शिप से इधर आ गए और हमारी नेवल सिक्योरिटी का कितना बड़ा फ्लॉ वहाँ पर एक्सपोज हुआ। और उसके बाद जो मुंबई पुलिस थी उनके पास प्रॉपर वेपन्स ही नहीं थे उनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि पॉइंट्स हमें अपनी से भी पूछने चाहिए कि इंडिया की सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हुए हैं पास्ट में, और आगे से उनको कब जो है वो ऐसे लैप्सेस ना हो, उनको इंश्योर करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज जो है वो इंडिया ने बनाई है। क्योंकि अल्टीमेटली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जो है वो पूरा इंडिया का पार्ट है, और उसको सिक्योर करना हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें मिलजुल के इसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। और मैंने बहुत देर बाद डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो देखी और मज़ा आया देख के। खास तौर पे आलोक भाई जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आते हैं, या खुद भी अगर सोलो वीडियो भी बनाए तो काफ़ी रिसर्च के साथ वो बनाते हैं, तो मज़ा आता है देखने में। और पाकिस्तान तो इनका मुझे लगता है कि फोकस एरिया है, ये प्राइमरी फोकस इनका पाकिस्तान के ऊपर ही है, और वहीं से ये वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं। और पाकिस्तान में जो गन कल्चर का इन्होंने बात किया, दैट्स ट्रू, गन कल्चर इतना कॉमन है वहाँ पे, गन्स इतनी ज़्यादा पहले तो वहीं पे बन जाती हैं, तो लोकल जैसे AK-47 हो गई या बाकी जो गन्स हो गई उनको देसी तरीके से वहाँ पे तैयार किया जाता है और सेल ऑफ किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी एविडेंस आपको शाहिद अफरीदी की वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे वो फायरिंग कर रहा है। आई थिंक वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। शाहिद अफरीदी इतना बड़ा क्रिकेटर होके, बड़ा तो खैर छोड़ो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर होके वो क्या रोल मॉडल पेश कर रहा है कि वहाँ खाली जगह पे जाके, अब बात या तो हो कि एयर गन है या कोई और शिकार खेलने वाली गन है उसकी बात अलग है, लेकिन आप AK-47 या असॉल्ट राइफल्स के साथ जाके आप बुलेट्स जो हैं स्प्रे कर रहे हैं बिना किसी मतलब के। ऐसा नहीं है कि आप शिकार खेलने गए हैं या आप कोई और ऑब्जेक्टिव के साथ गन को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल सेफ्टी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आप जो है वो बुलेट स्प्रे कर रहे हैं हवा में, ये कितना मतलब नॉनसेंसिकल बात है, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये दिमाग से परे है। और आपको ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में शादियों में बहुत आराम से दिख जाएंगी, आपको बहुत सी वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगी जिसमें बुलेट्स को जो है वो हवा में फायर किया जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है अगर अचानक से किसी को लग जाए। लेकिन ये एक नॉर्म है वहाँ पे, और अगर गन्स जो है वो इलीगली बनाई जाती हैं, इलीगली काम किया जाता है, और फिर उससे जो है वो टेररिज्म ही फैलेगा, और उसको कंट्रोल करने जिस कंट्री को, खासतौर पे इंडिया को, जैसे पाकिस्तान के टेररिज्म से नुकसान होता है, वो अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई स्टेप्स तो ज़रूर लेगा, और ये रियलिटी है। अगर चाहे पाकिस्तान ने जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से किया हो ये, या इंडिया ने जो है वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के किया हो, दोनों कंडीशंस में इंडिया का जो है इससे फ़ायदा ही हुआ है, और इंडिया को जो अननेसेसरी ट्रबल हो रही है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद होगी। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे बैड एलिमेंट्स जो हैं हमारी सोसाइटी से निकलें, और पीसफुली सब लोग को एग्जिस्टेंस के साथ पीसफुल तरीके से रहें, और एक दूसरे के साथ जो है वो अगर कोई इश्यूज भी हैं उनको विचार वटांदरा करके, एक दूसरे के साथ पर्सपेक्टिव्स की लड़ाई करके अपने इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व करें, और ताकि सोसाइटी एक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़े, और जो इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनना और बाकी सब चीज़ें करना, वो इसी तरीके से पूरा होगा। और टुवर्ड द एंड जो कर्नल साहब ने बातें की वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि कई बार हम इमोशनल होकर ये सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर सकता, और इंडिया जो है फुल थ्रोटल के ऊपर ऑपरेशंस क्यों नहीं करता। एंड आई थिंक कर्नल साहब रिस्पॉन्डेड वेरी एक्यूरेटली कि इंडिया को अपना स्टेचर बढ़ाना पड़ेगा उससे। अभी जो इकोनॉमिक
सिचुएशन है, नो डाउट इंडिया बहुत स्ट्रांग इकोनॉमिक सिचुएशन में है कंपैरेटिव टू 1970s और 80s, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत है। ये एक जिसको कहते हैं कि लेवल अप हुआ है, लेवल वन हुआ है, लेकिन अभी लेवल इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा, थोड़ा और पुश करना पड़ेगा, 5 trillion एंड बियॉन्ड जो है वो टारगेट अचीव करना पड़ेगा इकोनॉमिक पावर बनने के लिए। उसके अलावा सेकंड जो है वो इंटरनेशनल क्लाउड जो है वो इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा अपना। अब जैसे इंडिया कनाडा के रिलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे जो इंडिया के अगेंस्ट एलिमेंट्स हैं वो अपना अच्छे से काम कर पा रहे हैं, लेकिन इंडिया को कनाडा के साथ रिलेशन स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे एंड वाइस वर्सा, ताकि यहाँ पे भी जो इंडिया का इंडिया की प्रोग्रेस जो है वो उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया यूके, इंडिया के यूरोपियन नेशंस के साथ, इंडिया के चाइना के साथ, जापान के साथ, बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो वो सारे कंट्रीज़ जो है वो इंडिया के फेवर में खड़े हों, तब जाके जो है वो इंडिया ओपनली फैसले ले सकता है। ये तो बात होगी आपकी इकोनॉमिक और फॉरेन सर्विसेज की या डिप्लोमेटिक पावर की बात। उसके अलावा मिलिट्री पावर, इंडिया को जो है और एडवांस जो है वो मिलिट्री वेपन सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, और ख़ास तौर पर इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो रिसर्च की फील्ड में हो, चाहे वो एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फील्ड में हो। और वहाँ पे इंडिया भी काम कर रहा है, बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो इंडिया ऐसी डील्स कर रहा है दुनिया से कि जो चीज़ें हैं वो ना सिर्फ इंडिया को इंपोर्ट की जाएं बाहर बना के, बल्कि उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी इंडिया में बनाए जाएं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह की जाए, क्योंकि ये इंडिया ने पहले रशिया के साथ नहीं किया था। रशिया के साथ बहुत कम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है इंडिया की, खासतौर पर एक एग्जाम्पल मुझे मेरे दिमाग में अभी आ रही है ब्रह्मोस मिसाइल की। उसके अलावा इंडिया के पास जो है वो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से मेंटेनेंस और उसकी प्रोडक्शन को एक अलग लेवल के ऊपर ले जाना जो है वो संभव नहीं हो पाया अभी तक। तो इंडिया को इन चीज़ों पर ऊपर अभी एनर्जी लगानी चाहिए रेदर देन फुल फ्लेज वॉर के बारे में सोचने की बजाय। जब इंडिया ये सब चीज़ें कर लेगा तब जो है वो इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होगा अपनी टर्म्स और कंडीशंस डिक्टेट करवाने के लिए, और तब तक मुझे लगता है कि हम सब इंडियंस को अपना सर झुका के काम पे फोकस करना चाहिए, जिस भी तरीके से जिस भी फील्ड में हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड है, पोलिटिकल फील्ड है, मिलिट्री फील्ड है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक फील्ड है या कुछ भी और है। इसरो भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सैटेलाइट इमेजरी, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के थ्रू। तो लेट्स वर्क टूवर्ड्स दैट। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स टू आलोक जी फॉर डूइंग इंटरव्यू विद कर्नल साहब, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, मज़ा आया। आप उनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिफेंस डिटेक्टिव को। आपकी कोई फरमाइश है, कोई आप वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आपकी कोई अदरवाइज सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप अपनी फरमाइश जो है वो दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।